चीन ने बनाया अपना पहला स्वदेशी यात्री विमान, जिसका नाम उसने C919 रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों चीन ने अपनी पहली व्यावसायिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। दोस्तों आपको बता दें कि उसने यह यात्रा शंघाई के पूर्वी महानगर बीजिंग से ईस्टर्न एयरलाइंस तक संचालित की गई। दोस्तों आपको बता दें कि यह इन्फॉर्मेशन सिंगुआ समाचार एजेंसी द्वारा पब्लिक की गई है और साथ में यह भी बताया गया है कि यह विमान करीब 128 यात्री लेकर उड़ान भरी थी। इस विमान में 2 इंजन लगे हुए हैं और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वह करीब 164 लोगों को साथ लेकर उड़ान भरने की है। इसके साथ ही चाइना ने पश्चिमी प्रतिद्वंदियों जैसे कि बोइंग और एयरबस को टक्कर देने के लिए आधिकारिक रूप से नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि अभी तक एयरबस और बोइंग ही दुनिया के ऐसे कुछ कम गिने चुने एयर एजेंसीज हैं जो कि यात्री विमानों का निर्माण करती हैं और वह यही विमान समूची दुनिया में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन चाइना का यह कदम समूची दुनिया में एक नई तरह के प्रतिद्वंदियों को अपने सामने शामिल कर रहा है। चाइना ने स्पेस सेक्टर में भी अपना एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, साथ ही उसने दुनिया का एक आर्टिफिशियल सन भी बना रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना दिन प्रतिदिन साइंस और इनोवेशंस में नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है, साथ ही वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन हाल ही में स्टारलिंक सैटेलाइट यानी एलन मस्क द्वारा घोषणा किए गए कि वह लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 13,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ेंगे, इसको लेकर चाइना अब घबरा गया है और वह लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो सैटेलाइट के क्षेत्र में भी काफ़ी रिसर्च कर रहा है। नमस्कार।